सब लोग देखो यहाँ पे टिकटॉक इंस्टाग्राम यहाँ पे पैसेंजर या अलमाती तुर्किस्तान तस्कन बहुत ही प्यारा नजारा है। करेंसी चेंज के ऑफिस मिल जाएंगी। यहाँ पे इमिग्रेशन में कुछ कस्टम कंट्रोल एरिया है, थोड़ा सा हंसी आ रही है, लोग पीछे लग गए। यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया ना पकड़ लेंगे, बहुत सारे आपके पीछे पड़ जाएंगे। आप क्रॉसिंग करते हो इमिग्रेशन, बच के रहना। यहाँ पे थोड़ी ठंडी कम है, मतलब 0 डिग्री बता रहा है, नॉट माइनस। अगर आप आते हो तो यहाँ पे रुक सकते हो, आपको इजी हो जाएगा घूमने के लिए। सामने बस स्टैंड है, यहाँ ही बस उतारती है और यहाँ से आप वॉक करके इतना आ सकते हो। और सामने की तरफ भी कारवान सिटी है, ये बस वगैरह यहाँ पे देखिए। जो प्लान बन चुका है कि यहाँ से निकलते हैं तास्केंद उज़्बेकिस्तान के लिए, तो नाइट में काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे घूमने के लिए। पूरा लाइटिंग रहता है और कुछ थीम्स पार्क वगैरह रहती है। तो मिलते हैं सीधा, मैं अभी बस स्टैंड टैक्सी स्टैंड पहुँचता हूँ। सामने है पुलिसिया ओवर स्पीडिंग गाड़ी को रोक रही है। हेलो यो 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 यूट्यूब सलाम 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 तो फिलहाल अभी आ गए हैं टैक्सी स्टैंड, बहुत सारे हैं यहाँ पे। आप आओगे ना तो बहुत सारे आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएंगे। सिमकन जाएगी, टास्कन तो यहाँ से नहीं है डायरेक्टली। तो एक जगह पे कल देखा था 1400 टैंगे था, यहाँ पे 1500 टैंगे है। तो 100 टैंगे ज्यादा है, लेकिन गाड़ी काफी अच्छी है तो हम लोग इतना कॉम्प्रोमाइज मतलब नहीं करना है। 100 टैंगे मतलब 18-20 रुपीज का डिफरेंट है, तो ठीक है इतना। और यहाँ पे पागल जैसे आए सब फोटो खिंचवाने के लिए हमको बोल रहे है। और ये वाली है टैक्सी, ये देख सकते हो। यहाँ से सिमकन तास्केन और सॉरी सिमकन अस्थाना और अलमाती के लिए जाती है। सामने के साइड भी लिखा है एवतो बेकती। ये देखो मिथुन। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी शुरू हो गई। जैसे आप हॉस्टल से बाहर निकलेंगे ना सिटी घूमने के लिए, शुरू हो जाएगा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। आपकी मेमोरी ना भर जाएगी, मतलब इतना आपको खाली रखना पड़ेगा। सब लोग देखो यहाँ पे टिकटॉक इंस्टाग्राम वीडियो बनाने के लिए शुरू हो जाएगा। तो अभी टैक्सी के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ शेयरिंग टैक्सी है। आपको पर्सनल जाना है, पर्सनल उन्होंने बताया 2-5 मतलब 2500 टेंगे, 4 लोगों का 10000 टेंगे होता है। आप प्राइवेट कर सकते हो, लेकिन हम लोग प्राइवेट में नहीं जा रहे। 1600 टेंगे मतलब अराउंड लगा लो 200 रुपये के आसपास। यहाँ से सीधा जाएंगे सिमकन और वहाँ से फिर देखते हैं आगे तास्केंद के लिए और टैक्सी क्या मिलेगी। और मिल ही जाएगी क्योंकि वहाँ से भी शेयरिंग टैक्सी चलती रहती है। तो बस वेट कर रहे हैं और पैसेंजर आ जाए और यहाँ से निकलते हैं। अभी बचे हैं 12 और हल्की हल्की धूप निकल रही है, ठंडी तो है फिर भी, बट इतनी नहीं है। ऐसी वाली है यहाँ पे पैसेंजर बैठ सकते हैं। यहाँ पे है और यहाँ पे ऐसी टैक्सी है, काफ़ी अच्छी टैक्सी है, बड़ी कंफर्ट टैक्सी है। तो ये बैग अभी एक बैग पीछे रख दिया है। फाइनली तुर्किस्तान को करते हैं अलविदा और मिलते हैं सीधा सिमकन और निकल पड़े हैं उज़्बेकिस्तान के लिए। एक नया देश, नई बोली भाषा, नए चेहरे, नया खाना, नया कल्चर, नए लोग और नया जर्नी। तो बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए। Lights shining from the window late at night. I'm just watching someone else's life go by, wishing it was mine. Dreams, everybody has them at the start. Somewhere along the way they fall. Up at the lights. When the lights go out, everything is clearer. When the lights go out. Yes. Hey, brat, ask you something. To be filal, pahunch chuke hain. सिमकन पहुंच चुके हैं। यहाँ से टैक्सी आप अलमती जाना है, फिर से तुर्किस्तान जाना है तो ले सकते हो। तो सिमकन पहुंच चुका हूँ। 3 बजे, 3 घंटे की जर्नी थी, बहुत ही अच्छी जर्नी थी। अब
अभी फिलहाल बजे है 3 और अच्छी जर्नी थी और यहाँ से यही गाड़ी कंटिन्यू जा रही है ताशकंद के लिए। तो अगेन मतलब 1500 1500 टेंगे प्लस 1500 टेंगे मतलब 3000 टेंगे में सीधा तुर्किस्तान से ताशकंद में पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ से और 2 घंटे की जर्नी रहेगी। तो टोटल अगर कॉस्ट की बात करूँ तो 3000 टेंगे में मैं पहुँच जाऊँगा। यही गाड़ी कंटिन्यू होगी अभी यहाँ से ताशकंद के लिए। तो 3000 टेंगे उसका मतलब हुआ अराउंड 600 रुपये। करेंसी ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंड ऑन द अलमाती। नो 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 ताशकंद 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 नो अलमाती। आई एम कमिंग फ्रॉम अलमाती। या आई एम ताशकंद इले अलमाता। या अलमाती तुर्किस्तान ताशकंद। तो गाड़ी रुकी है अभी, थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेते हैं। और कुछ ऐसा दिख रहा है वेदर, कुछ अलग ही सिटी लग रही है सिमकंद। तुर्किस्तान से अलग है, अलमाती से अलग है यार। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जोन है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जोन है। यहाँ से पूरा ऐसे डाउन साइड है और वहाँ दूर 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 कच्चे कच्चे थोड़े लाइक घर दिख रहे हैं। बहुत प्यारी है, कुछ अलग डिफरेंट वाइब है यार। हर एरिया का, हर सिटी का अपना अपना एक। और ये पुरानी पुरानी गाड़ी यहाँ पे चल रही है, बहुत अलग ही लुक लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। या डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से टाइम लेके आना पड़ेगा। बहुत अलग एरिया से तुर्किस्तान, अलमाती, अस्ताना। तो ये अलमाती और अस्ताना सिटी वाला पार्ट हो गया। अगर रियल आपको एक्सप्लोर करना है तो तुर्किस्तान है, सिमकंद है, ऐसे थोड़े अलग एरिया में आप जाओ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं तो काफ़ी आगे आ गया हूँ। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, आसपास पूरी बर्फ ही बर्फ छाई हुई है, बीच में रोड्स, और रोड्स भी काफ़ी अच्छे कंडीशन है। मतलब आप रियली मतलब आप अगर आते हो कजाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान तो लैंड बॉर्डर ट्राई कीजिए क्रॉस करने के लिए। सोलो ट्रैवल है तो डेफिनेटली आप करोगे ही। सिमकंद से ताशकंद बर्फ में मुझे लगता है आइस, ठंडी में बहुत ही अच्छा ये नज़ारा रहेगा। गर्मी में मुझे पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली रियली नाइस एक्सपीरियंस बाय दिस रोड ट्रिप फ्रॉम कजाकिस्तान टू उज़्बेकिस्तान, सिमकंद टू ताशकंद। और हम लोग तो निकले हैं तुर्किस्तान से सिमकंद, सिमकंद से ताशकंद। तो फिलहाल बजे है 5 और अभी हूँ कजाकिस्तान बॉर्डर पे। तो यहाँ पे कजाकिस्तान ख़त्म होता है और बस हम लोग जुड़े हुए हैं। सामने की तरफ दिखाई देता है बॉर्डर, तो ये देखिए ताशकंद। बस सामने की साइड है अभी ताशकंद, उज़्बेकिस्तान एंटर करेंगे। वीज़ा ऑलरेडी है मेरे पास, तो देखते क्या प्रोसेस रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, मैं क्रॉस करके आपको दिखाता हूँ। क्योंकि इमिग्रेशन एरिया होता है तो कैमरा ऑफ करना अच्छा होता है, गवर्नमेंट एरिया होता है, क्यों इतना रिस्क लेना है। और अभी वहाँ पे करेंसी चेंज हो जाएगी तो मैं देखता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा करेंसी चेंज करूँगा। यहाँ पे कुछ है करेंसी रेट देख लेता है क्या है। हेलो लेट्स सी द रेट्स, व्हाट इज द रेट्स। USD 454, ये वाले रेट चल रहे हैं यहाँ पे, 454 USD 457, मतलब वो $100 या $20 ऐसा होता है, उस हिसाब से होता है। तो देखेंगे थोड़ा सा, या फिर ATM होगा, इफ़ ATM इज़ अवेलेबल तो वहाँ से विड्रॉल कर लेंगे, वो अच्छा होता है। अगर नहीं हुआ ATM तो फिर मेरे पास डॉलर है, मैंने $100 कैरी किया था, $20 की नोट्स फॉर इमरजेंसी। बाकी मैं ऑनलाइन पे कर रहा था या ATM से ही विड्रॉल कर रहा था, बहुत ही ईजी था और हर जगह पे अवेलेबिलिटी थी, पूरे कजाकिस्तान में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आया।
और यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे ATMs दिख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप आराम से करेंसी अवेलेबल हो जाएगी। देखिए बहुत सारे यहाँ पे करेंसी चेंज के ऑफिस मिल जाएंगी, देखेंगे वहाँ जाके करेंसी चेंज करते हैं या फिर ATM विड्रॉल करते हैं, वो बेटर रहेगा। इफ देयर इज नो अवेलेबिलिटी तो $20 कन्वर्ट कर लेंगे। सामने के साइड ये जो दिख रहा है ये वाला वो है बॉर्डर, इजी है बॉर्डर क्रॉसिंग। ये विंटेज कार देखिए बीच में जो रास्ता था ना सिमकन से ताशकंद का बीच में बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था। अभी भी उतरे है, बहुत ठंडी लग रही है, वहाँ पे हल्का सा वार्म था तुर्किस्तान में। अभी इवनिंग 5 o'clock जैसे कार से बाहर निकले ना इतनी ठंडी हवा निकल के आ रही है। देखो यहाँ से ऐसे करेंसी चेंज कर सकते हो, बहुत सारे करेंसी चेंजर यहाँ पे मिल जाएंगे, कुछ फूड्स अवेलेबिलिटी, देयर इज लॉट्स ऑफ, कुछ अलग ही लग रहा है अभी यहाँ पे आते हुए। और ये है बॉर्डर। हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते देखो मुझे बॉर्डर में तो यहाँ पे इमिग्रेशन में कुछ पे तो करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने ई वीज़ा ले चुका हूँ, तो मुझे सिर्फ इमिग्रेशन क्रॉस करना है और वहाँ जाके मैं ATM यूज़ कर लूँगा। तो ये इमिग्रेशन कस्टम कंट्रोल एरिया है, तो मैं बंद करता हूँ अभी कैमरा। कुछ ऐसा दिख रहा है अंदर की साइड, यहाँ पे ऑफिसर्स खड़े थे तो वहाँ पे पासपोर्ट चेक किया और अभी मैं जा रहा हूँ उस साइड। अभी मैंने एग्ज़िट नहीं किया है कजाकिस्तान, तो एग्ज़िट का स्टैम्प लगेगा, उसके बाद उज़्बेकिस्तान में आऊँगा। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी मैं कैमरा ऑन करूँगा, बाकी कैमरा ऑफ कर दूँगा। ओके तो अभी फ़िलहाल मैं एंटर हूँ, अभी इमिग्रेशन यहाँ से चेक होगा और एग्ज़िट का स्टैम्प लगेगा। अभी फ़िलहाल मैंने कंट्रोल पासपोर्ट कंट्रोल कवर कर लिया, मतलब क्रॉस कर लिया है। काफ़ी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हंसी आ रही है, एक तो लोग पीछे लग गए यहाँ पे आते हुए, और यहाँ से आपको जैसे ही बाहर निकलोगे ना ये बस यहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल आपको क्रॉस करना है, और यहाँ से ये आपको मोबाइल कार्ड वगैरह मिल जाएंगे, करेंसी चेंज करना है चेंज कर जाएगा। और बहुत सारे टैक्सी वगैरह के लिए ये देखो बस भी खड़ी है, अभी यहाँ पे बस है, यहाँ से ATM विड्रॉल कर सकते हो। मैं मेरे दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, ये है यहाँ पे ATM, तो डोंट वरी, मेरे दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने सोचा तब तक नो तो एक्सपीरियंस बताता हूँ। इमिग्रेशन जब मैं कजाकिस्तान से एग्ज़िट कर रहा था तो बहुत टाइम ले लिया, क्योंकि पासपोर्ट पे जो मेरा फ़ोटो है जो सेम लाइक वियतनाम में हुआ था, थोड़ा सा मोटा वाला है और उसमें पतला सा है, तो थोड़ा सा वो डेफिनेटली क्रॉस चेक कर रहे थे। जैसे क्रॉस किया मैं लगेज वगैरह सिक्योरिटी चेक इन करा था, तो ऑफिसर ने मुझे बुलाया, काफ़ी सारे बात की, वो प्रेम से मतलब प्यार से बात करते, अगर आप गलती से भी आप कुछ गलत बोल दिया ना पकड़ लेंगे, क्या करते हो क्यों जा रहे हो, एकदम मसली फ्रेंडली आपके साथ आप बात करते हैं, लेकिन जो भी हो सच्ची बताना, सब क्रॉस चेक करते। मैंने बोला मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, तो बोलते कि दिखाओ, तो मैंने सब दिखाया, मेरे कैमरे में थोड़ी क्लिप्स थे ये वो, फिर मेरे स्टूडियो के कुछ फ़ोटोज़ थे जो मैं पहले वर्क करता था, मैं बॉलीवुड में काम करता था, ऐसा बोला। जैसे मैंने बॉलीवुड बोला तो खुश हो गया और बहुत ही अच्छा लगा उनको, बट वो लोग क्रॉस चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें से आप उनको मना लोगे, तो ऐसा नहीं है, इजी है लैंड बॉर्डर क्रॉसना, लेकिन सच के साथ अगर आप सच्चाई के साथ अगर बॉर्डर क्रॉस करते हो तो आराम से हो जाएगा। और यहाँ से देखो बस खड़ी है, मैं वेट कर रहा हूँ दोस्त का, एक्चुअली इमिग्रेशन पे मैं बात हेलो ये ऐसे बच्चे ना आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। तो वीज़ा मेरे पास था, वीज़ा मांगा मुझसे, पूछा मुझसे कि ड्रोन तो लेके नहीं आए हो, मैंने बोला नहीं चेक नहीं किया, सिर्फ पूछा, लेकिन काफ़ी प्रेम से बात की, काफ़ी अच्छे से बात की। सो अभी आ गए मैं फाइनली, मेरे दोस्त थोड़ा सा पीछे रह गए थे,
देखिए यहाँ पे इतनी गर्दी है अभी, बहुत सारे आपके पीछे पड़ जाएंगे, मनी दीजिए पैसे दीजिए, लेकिन अवॉइड और टैक्सी टैक्सी भी करेंगे, लेकिन अवॉइड करना है उनको, ज़्यादा उनके साथ बात नहीं करनी है। यहाँ का कार्ड मेरे पास है क्योंकि अलमाती में जब एक ट्रैवलर दोस्त एटीएम ट्रैवल कर रहा था तो मुझे यहाँ का उसका कार्ड दे दिया है, तो वो मेरे लिए इजी हो गया है। तो यहाँ पे है बैंक एटीएम, सो आई कैन विड्रॉल द मनी सम, नहीं तो मैं डॉलर एक्सचेंज कर लूँगा। तो फिलहाल अभी बैठ गया हूँ मैं बस में, बाहर निकलते ना बहुत हंगामा हो जाता है, तो आप संभल के रहिए। एक तो करेंसी, मोबाइल, पासपोर्ट वगैरह संभाल के रखिए, जो बेगर होते हैं वो थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे और थोड़ा टैक्सी वाले बहुत परेशान करेंगे। तो मेक श्योर वो लोग टेंगे में बोलेंगे, आप लगे तो बैठ जाऊँगा। और यहाँ पे चलता है उज़्बेकिस्तान सोम, बस में बैठ चुका हूँ, बस बहुत सस्ती पड़ती है। तो यहाँ पे सोम करेंसी है और 2000 सोम में पे करना है, मतलब इंडियन करेंसी हुआ 18 से 20 रुपये, बहुत ही चीप है। टैक्सी वाले आपको ना स्मार्ट है, वो बोलेंगे मैं लेके जाता हूँ 6000, आप सोचेंगे अरे सोम में है, लेकिन वो टेंगे चार्ज करेंगे। और करेंसी देखिए, मैंने 3 लाख उज़्बेकिस्तान सोम ATM से विड्रॉल किया, 2000 इंडियन रुपीज़ में मुझे कट हुआ है, ऊपर कुछ 45 रुपीज़ 50 रुपीज़ चार्ज लगा है, तो इस मिनिमम चार्ज ये 5000 की। और लैक के नोट भी दिखाता हूँ आपको मैं, और ऐसी कुछ करेंसी है 2000 सोम, मतलब ये एक नोट है 18 से 20 रुपये और ये 5000। तो बस चल पड़ी है यहाँ से, काफ़ी डिफरेंट लग रहा है लुक, बहुत ही अलग नज़ारा लग रहा है। और इवनिंग में सनसेट अभी हो रहा है, यहाँ पे ठंडी थोड़ी सी कम लग रही है कंपेयर टू कजाकिस्तान। और रोड्स की कंडीशन देखिए बहुत बढ़िया, मैंने सुना है कि वर्ल्ड चीपेस्ट कंट्री उज़्बेकिस्तान बोला जाता है, और अभी मैंने एक्सपीरियंस भी किया, और देखता हूँ कितना चीपेस्ट है और कितना एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। आप क्रॉसिंग करते हो इमिग्रेशन, बच के रहना थोड़ा, आप वॉलेट वगैरह, पासपोर्ट, मोबाइल वगैरह ना थोड़ा सा बचा के रहना। कैब देख रहा हो यार, कैब कुछ अच्छे से मिल जाए यहाँ पे।